क्या स्टडी के साथ साथ एक्टिंग कर सकते हैं? ये सवाल उन्हीं लोगों का होगा जो स्टूडेंट होंगे, इस वक्त पढ़ रहे होंगे. कुछ लोग कॉलेज में होंगे, कुछ लोग स्कूल में होंगे. कई सारे लोग इनफैक्ट मुझसे ये सवाल कर चुके हैं कि अगर वो एक्टिंग करना चाहते हैं तो वो स्टडी और एक्टिंग को किस तरीके से मैनेज करेंगे. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो किस तरीके से आप इसे मैनेज करोगे. तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सकें. तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर. आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं. तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा मैं जो भी कहने वाली हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम हम अभी पढ़ रहे हैं और हमें एक्टिंग भी करनी है तो हमें क्या करना है, अगर हम एक्टिंग फील्ड में आते हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज करना होगा. लोग यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा जब हम एक्टिंग करने लगेंगे तो हमारा अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट जाएगा. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि अभी बड़े हो गए हैं, जब वो चाइल्ड एक्टर थे, जब वो पढ़ भी रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे. इनफैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम पर भी कई सारे चाइल्ड एक्टर हैं जो कि इस वक्त अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और शूटिंग भी कर रहे हैं. कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका रेगुलर शूट होता है और वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं. अब ये पढ़ाई लिखाई किस तरीके से मैनेज करते हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो बॉम्बे में नहीं रहते और उन्हें एक्टिंग फील्ड में आना है. अगर आप बॉम्बे में नहीं रहते हो, आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक्टर बनना है तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आपको बॉम्बे ही आना है. आप अपने शहर से भी एक्टिंग कर सकते हैं. आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ ट्यूशन कर रहे हैं, वहीं पर करिए. आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी साइड में आपको एक्टिंग की क्लासेस भी लेते रहना है. अगर आप कोई इंस्टीट्यूट थिएटर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन सीखिए, क्योंकि आजकल कई सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो कि अच्छा सिखाते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं. एक्टिंग सीखने के बाद आपको ऑडिशन की अपडेट्स निकालनी है कि कौन सा ऑडिशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कौन सी ईमेल आईडी है. जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप घर बैठे लोगों को अपना ऑडिशन ईमेल कर सकते हैं. आसानी से अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं. इनफैक्ट मैं खुद ऑडिशन की अपडेट देती हूँ. मैंने कास्टिंग डायरेक्टर की ईमेल आईडी दे रखी है, प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी दे रखी है. तो आप आसानी से ईमेल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉम्बे आना है, बस आपको ये तरीका आना चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है. आपको दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी मिलाना नहीं है और आपको बिल्कुल भी अपने आप को फ्रस्ट्रेट होने नहीं देना है कि दोनों चीज़ें किस तरीके से मैनेज की जाए. दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग फील्ड में आना है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. चाहे आप इस वक्त कॉलेज में हो, चाहे इस वक्त आप स्कूल में हो, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपका दिन भर का शेड्यूल किस तरीके से है. आप किस टाइम फ्री रहते हो, किस टाइम आप अपनी स्टडी करते हो, किस टाइम आप स्कूल जाते हो, किस टाइम आप ट्यूशंस लेते हो, किस टाइम आप खेलते हो, इन सारी चीज़ों का आपको एक टाइम टेबल बनाना है. जिस वक्त आप पढ़ते हो उस टाइम आप पढ़ना, जिस वक्त आप खेलते हो उस वक्त खेलना, और इन 24 घंटों में से आपको थोड़ा वक्त निकालना है जिसमें आप एक्टिंग कर सको, एक्टिंग सीख सको. जब आपका टाइम टेबल बन जाएगा, आप उसी हिसाब से अपने आप को चलाओगे. बस आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को बनाने के बाद उसी हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि आपका एम है एक एक्टर बनने का और एक्टर बनना इतना आसान नहीं है. सिर्फ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जितनी आप प्रेजेंट टाइम पर मेहनत कर रहे हो, फ्यूचर में आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो, आप एक एक्टर बनना चाहते हो और आप एक स्टूडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉम्बे आना है. आप घर पर अपना टाइम टेबल बनाइए, उसी हिसाब से आप चलिए. एक्टिंग को टाइम दीजिए, घर बैठे ऑडिशन भेजते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा. किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को या फिर प्रोडक्शन हाउस में आपकी फ़ोटोज़ ऑडिशन जाते हैं और किसी को अच्छा लगता है, तो ट्रस्ट करिए वो लोग आपको सामने से कॉल करेंगे, क्योंकि टैलेंटेड बंदे हर इंसान चाहते हैं. हर इंसान चाहता है कि उनकी फिल्मों में, उनके सीरियल में, उनके एड फिल्म में कोई टैलेंटेड इंसान को कास्ट किया जाए. तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना है, बस आपको अपने आप पे फोकस रखना है. और कभी भी मन में ये नहीं सोचना है कि अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग फील्ड में आना है, तो आपको एजुकेशन नहीं करनी, आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है. क्योंकि मैं इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि एक एक्टर बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं एक्टिंग फील्ड में जहाँ पर ऐसा लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है.
देखिए, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसमें टर्म और कंडीशन लिखी होती है, और ज़्यादातर ये जो टर्म कंडीशन वाला एक एग्रीमेंट बनाया जाता है वो इंग्लिश में होता है, तो उसके लिए आपका पढ़ना लिखना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बॉम्बे जैसे शहर में गए और आपको कुछ नहीं पता है, कुछ लोग आपको सही रास्ता बताएंगे, कुछ लोग आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे, और सामने बोर्ड है, आप देख करके भी नहीं पढ़ पा रहे हो कि क्या लिखा है, तो एटलीस्ट आपको इतना पढ़ना लिखना है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आप पढ़ लिख सके, आपके सामने सच्चाई रहे। अगर आपको पता रहेगा कि ये क्या चीज़ लिखी है तो आप पढ़ लोगे, आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो दूसरा इंसान कुछ भी पढ़ के आपको दिखा देगा। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक्टिंग में आने के लिए, एक्टिंग फील्ड में आने के लिए आप अपनी एजुकेशन को त्याग दो, कभी भी ऐसा काम मत करना। हमेशा अपनी पढ़ाई को आगे रखना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपका जो भी सपना है उसको पूरा करना। एक और आपको बात बोलना चाहती हूँ, मान लीजिए अगर आप एक्टिंग फील्ड में आए और आपका एक्टिंग फील्ड में कुछ भी नहीं हो पाया तो क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट आप पढ़े लिखे हो, आप कोई और जॉब कर पाओगे, कुछ और कर पाओगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप सोच लीजिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कैसी जॉब है, या फिर आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे आप कुछ बिजनेस कर लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ बारीकियों को समझिएगा। मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कह रही हूँ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो स्टूडेंट हैं और जो एक्टिंग फील्ड में आ चुके हैं और एक एक्टर बन चुके हैं वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को मैनेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे चाइल्ड एक्टर हैं जो स्कूल भी जाते थे और शूट भी करते थे। कैसे करते थे, देखिए जब आप शूट करते हो अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर देते हो कि देखो मैं ये शो कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ, एक्ट फिल्म कर रही हूँ, जो भी कुछ भी कर रहे हो वो आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन्फॉर्म करने के बाद स्कूल वाले आपकी मजबूरी को समझते हैं और आपको समझते हैं, आपके पैशन को समझते हैं, उसी हिसाब से स्कूल वाले आपका साथ देते हैं और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने देते। और जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले आपको टाइम देते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें आपको पढ़ना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शूट का टाइम आपके स्कूल के टाइम से मिलता जुलता होता है, तो क्या करते हैं प्रोडक्शन वाले उसको भी मैनेज करते हैं। जब आप स्कूल से आ जाते हो तब वो लोग शूट का टाइम रखते हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर आप किसी कैरेक्टर में फिट हो तो प्रोडक्शन वाले सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, अगर आप बॉम्बे में रहते हो शूट एवरीडे करते हो तो स्कूल वाले प्रोडक्शन वाले मैनेज करते हैं। अगर आप बॉम्बे में नहीं रहते हो, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो और अभी आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है, स्टडी पर भी ध्यान देना है, साइड में एक्टिंग भी सीखते रहना है और ऑडिशन के लिए अप्लाई भी करते रहना है, लोगों को मेल भी करते रहना है, ताकि होगा ये कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको एक लुक टेस्ट के लिए, ऑडिशन के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, तो घर बैठे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टर बनना है तो उसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज है हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना, स्मार्टफोन, जिसके थ्रू हम घर बैठे अपने ऑडिशंस, अपने पोर्टफोलियोज, अपनी डिटेल्स, अपने इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें प्रोडक्शन हाउस को मेल कर देते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी सुविधाएँ हैं। अगर आप सही से देखना चाहें तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको देखना है। अगर मैं बात करूँ चाइल्ड एक्टर्स की जो कि अभी बड़े हो गए हैं और वो अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं, जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई को मैनेज किया जाता था। अविका गौर को बालिका वधू मिला था आनंदी का कैरेक्टर, उस वक्त वो कितनी छोटी थी, वो स्कूल भी जाती थी और बालिका वधू में उनको मेन लीड रोल मिला था, तो यहाँ पर उनके स्कूल वाले भी उनका साथ देते थे, प्रोडक्शन वाले भी साथ देते थे और वो स्कूल में पढ़ती थी। अनुष्का सेन अपनी पढ़ाई लिखाई को भी करती हैं और सेट पर जाकर शूट भी करती हैं और टाइम निकालकर पढ़ाई भी करती हैं। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पढ़ाई भी करते हैं सेट पर टाइम निकाल करके और अपना शूट भी करते हैं, चिल होकर के शूट करते हैं, आराम से करते हैं, कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होते। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, अगर आप चाहे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को मैनेज कर सकते हैं और एक्टिंग फील्ड में भी आ सकते हैं, शूट्स भी कर सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं, तो कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये आपके ऊपर है कि आपकी चाहत क्या है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप डिफ़िकल्ट समझ रहे हो, दोनों चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती हैं। बस आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अगर आपको आपने एक टाइम लिखा है अपने टाइम टेबल में कि आपको इस टाइम पर पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए पढ़ना है। अगर आपके उस टाइम टेबल में एक्टिंग का टाइम लिखा है, फला जो भी लिखा है, आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें छोड़ करके एक्टिंग करनी है,
तभी आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाएंगे, तभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मन से चाहोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो ट्रस्ट करिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको चाहना है, चाहत आपकी होगी और किसी की चाहत नहीं होगी। अगर आपके अंदर ही चाहत नहीं होगी करने की तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई लिखाई भी अपनी करिए, एजुकेशन भी करिए और एक्टिंग भी करिए अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं। तो कभी भी दोनों में से किसी की भी चीज़ को ना छोड़िए, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे खुद को ऐसा लगता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत ही मतलब कम ही पढ़ा होगा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि एजुकेशन ज़रूरी है। तो मेरा भी ये मानना है, चाहे आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, एजुकेशन ज़रूरी है। तो कभी भी अपनी एजुकेशन को किसी भी फील्ड में जाने के लिए ना छोड़ें, खास करके एक्टिंग फील्ड में आने के लिए और एक एक्टर बनने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, आप अपनी एजुकेशन को भी पूरा करेंगे और एक सक्सेसफुल एक्टर भी बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।